स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। मैं होने के हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है उन सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले हमें क्या क्या कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम लोग स्टडी करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड के मेनली चार केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाते हैं जिसे हम लोग जैसा बुक में दिया हुआ हम लोग को पढ़ना है। पहला हो जाता है कंपसन, दूसरा हो जाता है ऑक्सीडेशन, तीसरा हो जाता है एडिशन रिएक्शन, चौथा हो जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इन चारों में हमें जो कंबसन वाला है ये वाला हमें इस वाले पार्ट में खत्म करूंगा और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें ऑक्सीडेशन एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में खत्म करूंगा। तो इस वाले पार्ट में हम लोग ध्यान देंगे सिर्फ कंबसन पे, ठीक है। तो कंबसन का जैसे मतलब होता है, कंबसन मतलब होता है जलाने, ठीक है। उसमें एयर के साथ सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर के साथ मतलब कि आराम से फुल एयर की सप्लाई हो रही है खुले में और उसमें कंपाउंड को अगर हीट करते हैं तो वो क्या रिएक्शन फॉलो करेगा, क्या रिएक्शन देगा, ठीक है। तो कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कार्बन की, ठीक है। अभी कार्बन कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन। तो कार्बन के कई इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या एमरफस फॉर्म की अगर हम लोग बात करें कार्बन ब्लैक हो गया। तो किसी भी फॉर्म का अगर कार्बन हो, ध्यान रखना किसी भी इलेक्ट्रॉन का हो, कार्बन शुद्ध कार्बन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन या सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन में अगर इसको हम लोग बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि इसका रिएक्शन हो जाए कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो CO2। यहाँ पे हमें ऑब्वियस बात है हीट करना पड़ेगा, हीट करेंगे तो ये रिएक्शन होगा। साथ साथ जब ये एक बार रिएक्शन चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके साथ बहुत सारा हीट निकलेगा प्लस लाइट भी निकलेगा, ठीक है। तो कार्बन से हम लोग रिप्लिकेट कर सकते हैं कोयले को, ठीक है। तो कोयले जो होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, अदर कंस्टिट्यूएंट भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम कार्बन होता है। तो वहां पे कार्बन ले लिया, वो अगर हम लोग ऑक्सीजन में कोयले को जलाते हैं तो उसको अगर शुरुआत में इसीलिए उसको हीट करना पड़ेगा, ऐसे कोयला रखा रहेगा नॉर्मल रूम में तो वो उसमें आग नहीं लगने वाला, ठीक है। स्पेशल कंडीशन की अलग बात है, अगर नॉर्मली रखा हुआ कोयला तो उसमें आग नहीं लगने वाला, उसको शुरुआत में हीट करना पड़ेगा। हीट करने के साथ साथ एयर भी उसमें फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। अगर एयर आती मतलब सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर मिलती है उसको, अगर कार्बन को हम लोग हीट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने लगेगा, CO2 में बदलने लगेगा। एक बार जब CO2 में कुछ उसमें बर्निंग होगी, बर्निंग मतलब कि कंबसन होगी, तो उसके साथ साथ उसमें हीट निकलने लगेगा, ठीक है। साथ साथ आप देखोगे तो लाइट भी निकलेगा, ठीक है। तो इस हीट के कारण ये रिएक्शन ऑटोमेटिक कंटिन्यू होते जाएगा, आपके पास जितना कोयला रहेगा वो सारा ही जल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। शुरुआत में हीट करना पड़ेगा, बाकी वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बदलते जाएगा और हीट निकलते जाएगा, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट निकलती है, लाइट तो कुछ कम लेकिन हीट बहुत ज्यादा निकलती है। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। पहले हम लोग बात किए थे सिर्फ कार्बन का, ओनली कार्बन का। अब हम लोग बात करें कार्बन कंपाउंड की, जैसे कि मीथेन की हम लोग बात करते हैं। कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है CH4, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन में बॉन्ड कराते हैं, ठीक है, तो शुरुआत में ऑब्वियस सी बात है हीट करना पड़ेगा, ठीक है, इग्नाइट करना पड़ेगा, स्पार्किंग की जरूरत है काफी उतना इसके मीथेन के लिए। तो यहाँ पे बनेगा CO2+H2O+heat+light, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे कार्बन कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे भी 4 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 कर दिया। तो इस तरह से मीथेन का रिएक्शन होगा। तो कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले सकते हो, रिएक्शन सेम होगा। अगर हाइड्रोजन और कार्बन उसमें है तो रिएक्शन सबका सेम होगा। मोटा मोटा जितना हाइड्रोकार्बन होता है तो सब में कंबसन हो जाता है, सब कंप्लीटली बन जाता है अगर सफिशियंट सप्लाई ऑक्सीजन होता है तो। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग के घर में जो गैस सिलेंडर होता है, LPG सिलेंडर होता है, उसमें ब्यूटेन होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H10, ठीक है। ब्यूटेन को अगर हम ऑक्सीजन में हीट करते हैं, मतलब कि जैसे ही ऑक्सीजन को सप्लाई करके लाइटर से इग्नाइट करते हैं, वो जो स्पार्किंग है वही सफिशियंट होता है इसको बर्निंग करने के लिए, ठीक है। ऐसे अगर ऑक्सीजन में हवा में अगर हम लोग ब्यूटेन को रखते हैं तो वो नहीं जलने वाला, ठीक है, लेकिन उसको स्पार्किंग की जरूरत है, थोड़ा भी हीट की उसको जरूरत है। एक बार हीट अगर उसको मिला तो उससे खुद से इतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगेगा बाकी सारे मीथेन को जला देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिएक्शन, वैसे ही सेम फॉर्मेट चलेगा, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस हीट निकलेगा
प्लस लाइट निकलेगा, ठीक है, हीट और लाइट निकलेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का अमाउंट चेंज हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे चार कार्बन है तो यहाँ चार कर दिया मैंने, ठीक है, अब यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है तो 10 है तो 5 कर दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, 5 ऑक्सीजन इधर और 4 8 5 13 ऑक्सीजन, तो 13/2 ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने कर दिया। अगर इसको 2 भी हटाना चाहते हो तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया, ये 2 हट जाएगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, अब रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्यूटेन का रिएक्शन होता है, BUTAN, ये हो गया मीथेन। ध्यान रखना यहाँ पे मैं हाइड्रोकार्बन की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन के अलावा दूसरा कंपाउंड रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे, कुछ और कंपाउंड उसमें कंसिस्टेंट है तो उसका भी प्रोडक्ट दे सकता है। जैसे कि अगर हम लोग इसके साथ साथ मिथेनॉल का एग्जाम्पल है, CH3OH का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन जलाएंगे तो सेम रिएक्शन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर कोई नाइट्रोजन ग्रुप ऐड हो गया या सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड हो गया तो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन मेनली हाइड्रोकार्बन में उसका कोई प्रोडक्ट चेंज होता है, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, अगर किसी कंपाउंड में उसका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट निकलता है। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बर्निंग में तीन कंडीशन आ जाता है, तीन केस आ जाता है, ठीक है। अब एक एक केस एक एक कंडीशन को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पहली बार सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, मतलब अल्केन ग्रुप की बात हो रही है, विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड कार्बन, मतलब कि अल्कीन और अल्काइन की बात हो रही है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव ए येलो फ्लेम विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। होता यह है कि अगर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो वो कंप्लीट उसकी बर्निंग हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ये पूरी तरह से कंबसन होकर CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट तो देगा ही, ठीक है, ये पूरी तरह से कंबसन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन यही अनसैचुरेटेड कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड वाला हो चाहे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन होगा, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलेगा ही, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी हो जाता है कि सारे कंबसन इसमें नहीं हो जाता है तो कुछ कार्बन के पार्टिकल भी डायरेक्ट निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक हमें देखने को मिलता है, काला काला उसमें से कण देखने को मिलेगा, वो एक्चुअल में कार्बन रहते हैं। हीट एंड लाइट तो इसमें भी निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हीट एंड लाइट को भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग बंद करते हैं हीट लाइट निकलेगा, ये कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा ये भी कॉमन है, लेकिन अगर सैचुरेटेड रहा और सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर रहे तो उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर या कार्बन नहीं मिलेगा, अगर अनसैचुरेटेड रहा तो उसमें कार्बन के कुछ कण भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ओके। केस टू की बात करते हैं, इसमें अगर लिमिटेड, अभी तक हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी नहीं, एयर की सप्लाई में कोई कमी नहीं की, लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो जाए, मतलब कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर मिले, उसको कहीं क्लोज कंटेनर में उसको जलाया जा रहा है, ठीक है, बर्निंग किया जा रहा है, रिजल्ट इन ए इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव ए सूटी फ्लेम। इस कंडीशन में अगर मीथेन रहे, सी मीथेन ग्रुप हो गया, मिथाइन ग्रुप हो गया, प्रोपेन ग्रुप हो गया, प्रोपीन ग्रुप हो गया और प्रोपाइन ग्रुप हो गया, ठीक है, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ लिमिटेड रहे, लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा प्लस लाइट एंड हीट तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ तीनों कंडीशन में, तीनों के तीनों कंडीशन में हमें कार्बन, जो कार्बन के पार्टिकल भी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि सूटी फ्लेम दिखेंगे, जो उसका जो फ्लेम निकलेगा वो काला काला फ्लेम देखने को मिलेगा, और वो जो काला काला कैसे हो गया, वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, पूरी तरह से जितने कार्बन है वो सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ रह जाएंगे, ठीक है, जो रह जाएंगे वही कार्बन कार्बन हमें देखने को मिलता है, वही सूटी फ्लेम हमें ब्लैक कलर का फ्लेम देखने को मिलता है उसको, और ये तीनों में होगा, मतलब कि सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन, कैसा भी हाइड्रोकार्बन हो, सब में ये चीज देखने को मिलेगा अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन करते हैं तो। अब हम लोग एक और केस की बात करते हैं, फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, अगर कोयला है या पेट्रोलियम, इसको हम लोग डायरेक्ट बर्निंग करते हैं, कंबसन करते हैं, कोयला और पेट्रोलियम है, ये दोनों के हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन से बने हुए, हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम, ठीक है, तो कोयला हो गया और पेट्रोलियम नेचुरल पदार्थ है, ठीक है, तो हो सकता है कि कोयले और पेट्रोलियम में कुछ परसेंट, वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन सल्फर हो सकता है उसमें हो, ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो देयर कंबसन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन,
उसमें जैसे कि मान लो कि कोयला है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब तो है, इसके साथ साथ थोड़ा सा नाइट्रोजन भी है, वेरी फ्यू परसेंट, या सल्फर भी है, ठीक है, ये दोनों भी है। अगर इसको हम लोग बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट प्लस लाइट ये तो निकलेगा ही, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब गैस भी इसमें साथ निकल सकते हैं जो कि मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं एनवायरमेंट के, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोयले जलाने से इतना पॉल्यूशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो निकलता ही है, उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन जो कि काफी हार्मफुल गैसेज होते हैं ये सब भी इसमें निकलने लगते हैं। तो ये तीन केस हो जाता है, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो सूटी फ्लेम निकलेगा, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसमें अगर आ गया कोयले और पेट्रोलियम में तो उसके भी ऑक्साइड निकल सकते हैं, और अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर भी देंगे तो उसमें सूटी फ्लेम आ सकता है, येलो फ्लेम आ सकता है, ठीक है। ब्लू फ्लेम आता है मतलब कि सेचुरेटेड है, येलो और रेडिश फ्लेम टाइप का फ्लेम आता है, ब्लैकिश टाइप का फ्लेम आता है, तो अनसेचुरेटेड है, उसमें कार्बन के पार्टिकल निकल रहे हैं, वो फ्लेम सूटी फ्लेम कहलाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं, वाइल्ड कुकिंग, ठीक है, कुकिंग करते हैं, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मींस दैट, तो इसमें वही चीज बता रहा है, जैसे कि अगर हम लोग कुकिंग किए, ठीक है, ये हमारा वेसल है, इसके नीचे से हम लोग फ्लेम दिए, ठीक है, फ्लेम किए, गैस पर बर्न किया, फिर जिस पे बर्न किया, और इसका जो नीचे का जो पार्ट है, इस बर्तन के जो नीचे वाला जो पार्ट है, बॉटम है, वो अगर ब्लैकिश ब्लैकिश हो जाता है, तो ब्लैकिश ब्लैकिश कब हो रहा है, इसका मतलब है पक्की बात है कि यहाँ पे कार्बन के पार्टिकल निकल रहा है, सूटी फ्लेम यहाँ पे आ रहा है, येलो फ्लेम आ रहा है, उसी में से जो कार्बन पार्टिकल निकल रहा है वो जाके यहाँ पे जम गया, ठीक है, इसी कारण से नीचे का पोर्शन ब्लैक हो जाना, तो इसका मतलब ये चीज पक्की हो गई, या तो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, तो अब ये चीज होगा, या फिर सेचुरेटेड है तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन है, द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, फूड का कुक होना नहीं होने से तो मतलब भी खत्म है यहाँ पे, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, हाँ ये कंडीशन हो सकता है, फ्यूल इज वेट, वेट से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, वाटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, अगर फ्यूल कम्प्लीटली बर्न होता तो यहाँ पे हमारा सूटी फ्लेम निकलता ही नहीं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अल्केन ग्रुप रहता और यहाँ पे कंप्लीट कंबसन हो रहा है, फ्यूल कंप्लीटली बंद हो, तो कार्बन पार्टिकल निकलने का मतलब ही नहीं हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड में निकलना, तो ये ऑप्शन तो होगा गलत, फ्यूल वेट है ये होगा आपका ऑप्शन गलत, द फूड इज नॉट कुक्ड ये भी होगा गलत, तो सही क्या होगा, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, अगर फ्यूल का कम्प्लीट कंबसन नहीं हो रहा है, सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब है, तो यहाँ पे हमारा फ्यूल इज नॉट बर्निंग, यहाँ पे हमारा बॉटम जो है ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, व्हाई डू सबस्टांस बर्न विथ और विदाउट ए फ्लेम, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं या किसी पेपर को जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें फ्लेम निकलता है, लेकिन अगर कभी आप लोगों ने कोयले को जलते हुए देखा होगा, चाय के दुकान पे, इस तरह के दुकान पे, आप जहाँ पे कोयला अभी भी यूज हो रहा है वहां पे आप देखोगे, उसके कोयला तो रेड बर्न हो जाता है लेकिन उसमें से फ्लेम नहीं निकलता, हो सकता है जलाने के वक्त थोड़ा बहुत निकले, उसके बाद जब वो हीटेड रहता है रेड कोयला दिखाई देता है लेकिन उसमें से कोई फ्लेम नहीं दिखता, तो ऐसा क्यों होता है, यही चीज हमें समझना है इस वाला अभी के पार्ट में, कि हमें किसी किसी चीज को जलाते हैं तो हमें फ्लेम दिखता है, किसी किसी चीज को जलाते हैं उसमें हमें फ्लेम नहीं दिखता, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका क्या रीजन होता है, द फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस, फ्लेम तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई गैसियस सब्सटेंस में कंबसन होगा, ठीक है, अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है उसमें अगर बर्निंग हो रही है तो वहां पर फ्लेम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट एंड वेपोराइज एंड बर्न विद द फ्लेम इन द बिगनिंग, ठीक है, अगर हम लोग कोई कोयले को चारकोल को या वुड को जलाते हैं तो उसमें वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जिसमें थोड़ा भी अगर हीट करते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है चारकोल तो उसमें अगर कुछ वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट होगा भी तो वो भी हाइड्रोकार्बन होगा, तो वो जैसे ही गैसेस फॉर्म पे निकलेगा और नीचे से आप हीट कर रहे तो वो गैसेस फॉर्म पे रहेगा तो वहां पे आपको फ्लेम दिखने लगेगा, ठीक है, वही जलने लगता है, वोलेटाइल सब्सटेंस सबसे पहले जलता है, बर्निंग हो जाता है उसकी, तो वही हमें फ्लेम के रूप में दिखाई देने लगता है शुरुआत में, ठीक है, तो ये रीजन हो जाता है, वुड में भी यही रीजन हो जाता है, वुड को अगर हम लोग जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं सबसे पहले देखेंगे उसमें से फ्लेम निकलने लगता है, फ्लेम वही निकलने लगता है कि अंदर उसमें वोलेटाइल सब्सटेंस था, हीट किया थोड़ा भी हीट हुआ तो उसमें से वो वोलेटाइल सब्सटेंस बाहर निकला और वो बर्निंग करने लगा और वहां पर हमें फ्लेम दिखने लगा। अब एल्यूमिनस फ्लेम इज सीन, और जो फ्लेम होता है उतना चमकीला क्यों दिखाई देता है, उसमें चमक इसलिए होती है व्हेन द एटम्स ऑफ द गैसेस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो, तो उसमें जो जैसे ही बर्निंग हुई तो उसमें गैसेस जो एटम्स है वो जैसे वो हीट हुए तो वो ग्लो करना स्टार्ट, इसलिए फ्लेम
ये रीजन इसका हो जाता है। ठीक है, दिस का अभी तो हम लोगों ने इतना कंबसन वाला तो हम लोग कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें।